ओम श्री साई राम। मोस्ट हम्बल प्रणाम एट द लोटस फीट ऑफ भगवान बाबा। विद ब्लेसिंग्स फ्रॉम स्वामी, वी द साई भक्ताज फ्रॉम राजस्थान हैव कम टू प्रशांति यात्रा एट प्रशांति निलयम। वी हैव बीन इमेंसली बेनिफिटेड बाय कमिंग टू दिस प्लेस, द अबोर्ड ऑफ साई, द वैकुंठ। इट इज जस्ट लाइक वैकुंठ विजिट फॉर ऑल ऑफ अस and we have been immensely benefited. We have done seva work during these 2 days. During our stay, we have done shramdan. We have visited the temples of love, the super specialty hospital, as well the educational institutes. We have also visited the planetarium. We have received talks from renowned scholars of this place, Sri Bhavani Shankarji yesterday, and we will be receiving talk from Piyush ji this evening. We are thankful to All India President and to the Secretary Central Trust for permitting us to this yatra, as well presenting the cultural program at the divine lotus feet. Today we now present in divine presence the musical program, the Mayur Pankh, the peacock feather. This is presented by Bal Vikas Children and Sai Youth of Rajasthan. We hope you will enjoy it. God bless all of us. Jai Sai Ram. ओम श्री साई राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दिस इवनिंग बिफोर दिस ऑगस्ट गैदरिंग, द राजस्थान यूथ एंड बाल विकास चिल्ड्रन आर प्रेजेंटिंग अ म्यूजिकल प्रोग्राम मयूर पंख। This is a humble offering at the lotus feet of the same Lord Krishna who has blessed us in the form of Bhagwan Shri Satya Sai Krishna. Shri Krishna is synonymous with the flute and the feather, the peacock feather. This musical has the feather come alive to share some gems from the Lord's life. The feather also introduces us to various Krishna Bhaktas from different parts of our country. Just as Krishna Bhakti has bound India together, so has Sai Bhakti bound the world together. The musical is based on the verses from the Krishna Karnamrit, Narayaniyam, the Bhagavad Gita, and various traditional Namasankirtans. Mayur Pankh is a humble offering to our beloved Swami, Bhagwan Shri Satya Sai Baba. ओम साई राम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। बांसुरी और मैं, श्री कृष्ण की पहचान है, पर्याय है। बांसुरी, पंख, ये तुम्हें किसकी याद दिलाते हैं? श्री कृष्ण की, बेशक। और क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं एक पंख हूँ, मयूर पंख, जो वृंदावन के श्याम वर्ण बालक के मुकुट में सुशोभित रहता है। एक दिन श्री कृष्ण
जंगल में अपने साथी गोपों के साथ खेल रहे थे। तभी एक मोर नृत्य करता हुआ उनके पास आया। उसके पंख फैल गए। प्रतीत होता है कि वो तुम्हें कुछ देना चाहता है। ओह, उसका एक पंख गिर गया। तभी से मैं इसी मुकुट में लगा रहता हूँ। मैंने भक्तों के साथ भगवान को सूक्ष्म दृष्टि से देखा है। कभी वो साधारण मानव थे तो कभी अलौकिक और दिव्य होते हैं। कृष्ण क्या नहीं है, एक बालक, एक भाई, एक मित्र, एक रक्षक, एक दार्शनिक, नहीं, वास्तव में साक्षात भगवान है। कृष्णाय ॐ कमलनाथाय ॐ यशोदावत्सलाय ॐ गोपगोपेश्वराय विश्वरूप प्रदर्शनाय सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः नमः नमः। बालक के रूप में कृष्ण ने नंद के घर और यशोदा के हृदय को प्रकाशमान कर दिया। माता ने उनके दैविक रूप के दर्शन किए, परंतु इसका प्रभाव उनके दिल में उतरे उससे पहले ही कृष्ण ने अपनी माया का आवरण फैला दिया और उन्हें केवल यही याद रहा कि वो माता है और भगवान उनके पुत्र। एक दिन, माँ, कान्हा, क्या बात है? मुझे कटोरा दो। किस लिए? दूध पीने के लिए। अभी नहीं। फिर कब? रात को। रात क्या है? अंधेरा होने पर रात होती है। माँ, रात आ गई, अब मुझे कटोरा दो। ओ कृष्णा, आंखें बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती,
सारा माखन और मलाई खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? जाओ और खेलो, मैं तुम्हें कुछ फल दूंगी। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूं? हाँ, ये अच्छा विचार है। यदि तुम कृष्ण को श्रद्धा विश्वास के साथ निश्चल मन से पुकारो तो वे दौड़े चले आते हैं। जैसे एक गरीब विधवा जो कृष्ण की परम भक्त थी, उसका बेटा मोहन था। माँ परिवार के पोषण के लिए दिन भर मेहनत करती थी। मैं नहीं जाऊंगा। मोहन, पर तुम तो पाठशाला के लिए बिल्कुल तैयार हो।
मुझे पाठशाला तो अच्छी लगती है, परंतु मुझे एक घना जंगल पार करना पड़ता है। मुझे डर लगता है माँ। बेटा, डरने की कोई बात नहीं। तुम मुझे पाठशाला छोड़ने और ले आने के लिए क्यों नहीं आती माँ? मोहन, मुझे अभी बहुत सिलाई करनी है। यदि नहीं करूँगी तो मैं और तुम क्या खाएंगे, और तुम्हें पाठशाला भी तो नहीं भेज पाऊंगी। नहीं, मैं अकेला नहीं जा सकता, मुझे डर लगता है। हे मधुसूदन, मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखाओ। मोहन, मैं तुम्हें बताना भूल ही गई कि तुम्हारा बड़ा भाई उस जंगल में रहता है। भाई, इससे पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और वो हमारे साथ क्यों नहीं रहता? इतने सारे प्रश्न, अब तुम जानने लायक हो गए हो। वो गायें चराता है, उनकी देखभाल के लिए कोई तो चाहिए। जंगल में जाओ और गोपाल को बुलाओ, वो तुम्हें जंगल पार करा देगा। हे गोपाल कृष्ण, मेरे बेटे की रक्षा करना। मैं यहाँ हूँ छोटे भाई। तुम आ गए, और तुम कितने सुंदर हो। तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हें जंगल पार पहुँचाऊंगा। तुम्हारे पाठशाला के लिए अभी कुछ समय है ना? आओ, हम नाचते हैं और खेलते हैं। बहुत खुश हूँ, माँ भी बहुत खुश होगी। बेशक बहुत खुश होगी। भाई, मेरा कर्तव्य है लोगों को पार ले जाना, अंधकार पूर्ण जंगल के पार। देखो, जंगल का सिरा आ गया, लौटने के समय मुझे बुला लेना। अब से तुम्हें लाने और ले जाने का काम मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हें दोबारा देखने की प्रतीक्षा करूंगा। देखा वो कैसा है, और उसने क्या पहन रखा था? वो सुंदर था, और उसने पहना था मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले वैजयंती माला, वृंदावन में चरावे मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला। मोर मुकुट
पीतांबर सोहे गले बजती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला। हे प्रभु, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल, हमारे अध्यापक के यहाँ भोज है। सभी बच्चे अच्छे अच्छे पकवान लाएंगे, पर मेरे पास कुछ नहीं है। माँ ने कहा कि हमारी हैसियत ही नहीं है। बस इतना ही? ये दही का पात्र ले जाओ। मैं लड्डू लाया। मैं पराठा लाया। मैं जलेबी लाया। और मोहन क्या लाया? एक छोटा कटोरा दही का। भोज के अंत में दही परोसा गया बार बार। पात्र पूरा भरा ही रहा। अध्यापक विस्मित रह गया। मोहन, तुम ये दही का पात्र कहाँ से लाए? मेरे भाई गोपाल ने, जो जंगल में रहता है, उसने दिया था। अच्छा, वो करता क्या है? वो गाय चढ़ाता है और बहुत सुंदर है। सुंदर? वो कैसा लगता है? उसका रंग नीला है, पीला पीतांबर पहनता है, बांसुरी बजाता है और उसके सिर पर मोर पंख लगाता है। वो मुझे रोज जंगल पार कराता है। रुको, हम जंगल में जाकर उससे मिलेंगे। गोपाल, 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 गोपाल। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानता था। अब मैं तुम्हें कड़ी सजा देने वाला हूँ। गोपाल, गोपाल, तुम कहाँ हो? तुम आते क्यों नहीं? गुरुजी कहते हैं कि मैं एक झूठ बोल रहा हूँ और वो मुझ पर और तुम पर भी विश्वास नहीं करते। कृपया आ जाओ। मोहन सच कह रहा है, मैंने ही उसे दही का पात्र दिया था। मोहन निश्चल हृदय है और उसकी माँ मेरी परम भक्त, जो पूर्णतया मुझे समर्पित है। उन्हें
मैं कभी दुख में नहीं छोड़ सकता और मदद करता हूँ। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषामित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान के मुकुट में शोभित होकर मैंने कई भक्तों को देखा है। उन सब से वृंदावन की गोपियाँ श्रेष्ठ है। उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे। कृष्ण प्रेम उनके रग रग में व्याप्त था। वे कृष्णमय हो गई थी इतनी कि कई बार ये पहचानना कठिन हो जाता था कि कौन कृष्ण है और कौन राधा, गोपियों की रानी। और रास क्रीड़ा के बारे में क्या कहूँ, वो एक रहस्यमय अलौकिक दिव्य अनुभव था। पूर्णिमा की रात, चंद्रमा यमुना की लहरों पर नृत्य कर रहा है। सारा जंगल और मैदान चांदनी में चांदी की तरह चमक रहे हैं। फूलों की मीठी सुगंध हवा में फैली है। कदम के वृक्ष के नीचे भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। भुवन मोहिनी धुन, जिसे सुनकर गोपियां सब कुछ छोड़कर दौड़ी चली आती है। और राधा, उसका तो अपने पैरों पर नियंत्रण ही नहीं है। वे उसे भगवान के समीप खींचे ले जा रहे हैं। राधा समेता कृष्णा, राधा समेता कृष्णा कृष्णा, राधा समेता कृष्णा। बालाओं, तुम्हें यहां कौन लाया है? रात्रि के इस समय यहां आना तुम्हारे जैसे नारियों को शोभा नहीं देता। भगवान ने ही हमें बुलाया है। कृपया ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आपके अनुग्रह से ही हमें आपकी उपस्थिति में आपका सानिध्य मिला है। ऐसा ही सही। वो सिर्फ मेरी वजह से यहाँ पर है। केवल तुम ही नहीं प्रिय, हम भी उतनी ही सुंदर है और भक्ति में लीन है। हम सौभाग्यशाली है। हाँ, संपूर्ण जगत से भी ज्यादा सौभाग्यशाली है।
भगवान कहाँ गए? कृष्णा, माधवा, गोविंदा, गोपाला, आप कहाँ हैं? राधा रानी, उन्हें बुलाओ। चंपा, ओ चमेली, क्या तुमने मेरे भगवान को देखा है? यमुना तीर विहार। हे माता यमुना, क्या तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा है? यमुना तीर विहार। क्या वो बांसुरी को ऐसे नहीं पकड़ते हैं? हाँ, और पंख मुकुट में सुशोभित होता है ना? अपने पैरों को ऐसे रखो। हाँ, इस तरह। कृष्णा, मैं तो तुम में ही बसता हूँ। हम तुम्हें देख क्यों नहीं पाए? तुम अपने में इतने मग्न थे तो मुझे कैसे देख पाते? क्षमा करना प्रभु, हमारा गर्व हमारे पतन का कारण है।
हमने सब कुछ तुम्हें ही अर्पण कर दिया है कृष्णा। प्रभु हमें अपना उपकरण बना लो, बांसुरी की तरह भीतर से रिक्त कर दो और दैविक संगीत बजाओ। मेरा नाम जपो, अपने विचार वाणी और कर्म सब मुझे अर्पण कर दो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। आओ हम नाचें और गाएं। पर कृष्णा तुम तो एक हो और हम कई। हाँ मैं एक हूँ और तुम अनेक, परंतु मैं एक से अनेक हो सकता हूँ। एको हम बहुस्याम। रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है, रात सुहानी मस्त चांदनी। Thank you.
कभी कभी भगवान अपने दास के लिए तुच्छ काम भी करते हैं। हाँ, मैं एक घटना सुनाता हूँ जिसे मैंने अपनी आँखों से देखा है। महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में ओ द्रौपदी, तुम आ गई। कृष्णा, रात्रि के इस समय में हम दुश्मन के शिविर में हैं। हम पूज्य भीष्म पितामह से मिलने जा रहे हैं। अपना चेहरा घूंघट से ढक लो और उनका आशीर्वाद लो। क्यों? तुम्हारी पादुकाएं बहुत आवाज कर रही हैं। उतारो और मुझे दो। नहीं केशव, नहीं। जैसे मैं कहता हूं वैसे करो। अखंड सौभाग्यवती भव। तो मैं हमेशा सुमंगली रहूंगी, मेरे किसी भी पति को हानि नहीं पहुंचेगी। ये किसका सुझाव था? तुम्हें यहां कौन लेकर आया है? वो बाहर है। बाहर? अंदर बुलाओ ने। मैं जानता था कि वो तुम ही हो कृष्ण वासुदेव। चलो, इसी बहाने मुझे तुम्हारे दर्शन लाभ हुए। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरी चप्पलें बहुत आवाज कर रही थी इसीलिए। इसलिए स्वयं भगवान उन्हें उठाए हैं। तुम धन्य हो द्रौपदी। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। मैं अपने भक्तों का दासानुदास सेवक हूं। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। भक्तों ने मुझे अपनी भक्ति से बांध रखा है। भगवान के कई भक्त थे, परंतु उन सबसे भाग्यशाली अर्जुन था। कृष्ण एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक थे। युद्ध शुरू होने वाला ही था। कृष्ण सारथी के रूप में रथ को युद्ध क्षेत्र के मध्य में ले गए। सेनाएं एक दूसरे के समक्ष थी। अपने ही निकट संबंधियों को देखकर साहसी योद्धा अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। Thank you.
और तब भगवान कृष्ण ने वो स्वर्गीय उपदेश सुनाया जो आज भी संगत है, भगवद गीता। अर्जुन उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रखो तुम एक उपकरण मात्र हो। ये तुम हो जो धनुष की प्रत्यंचा खींचते हो, क्या ये तुम हो? ये मैं हूं अर्जुन। अभी तक तुमने मुझे एक मित्र के रूप में जाना है, अब तुम देखो कि वास्तव में मैं कौन हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युक्तानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब मैं बिना संदेह कर्म करने के लिए तैयार हूं। इसलिए हे कृष्ण, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयोर्भूति ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। भारत में सुगंध की तरह फैली है। भारत के हर भाग में कृष्ण भक्त है। संत तुकाराम पश्चिम में, आंडाल दक्षिण में, चैतन्य महाप्रभु पूर्व में और मीराबाई उत्तर में। सुंदरते ध्यान बेटे बरी, सुंदरते ध्यान बेटे बरी, बेटे बरी। जय जय विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल।
घोषणा की है कि धर्म की रक्षा करने के लिए वे हर युग में अवतार लेंगे। इस युग में भी उनकी उपस्थिति हमें अनुग्रह रूप में मिली है। हाँ, उनके हाथ में बांसुरी नहीं है, न पीला पीतांबर धारण किए हैं और ना ही मुझे अपने साथ रखा है, पर
मैं जानता हूँ वे कहाँ हैं, मैं उन्हें देख सकता हूँ, हमेशा की तरह उनकी पूजा करता हूँ, उन पर श्रद्धा रखता हूँ। इस समय वे बालों का मुकुट धारण किए हैं और नारंगी रंग का चोगा पहने हैं। वे सदा की भांति शानदार, अलौकिक और सदाशय हैं। वे अब भी हमारे साथ हैं, जैसे कि वे कहते हैं कि मैं तुम्हारे आसपास, ऊपर और नीचे सभी जगह हूँ। केवल भारत में ही नहीं, सारे विश्व में लोग उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है, संसार में एक ही जाति है, मानवता, एक ही भाषा है, दिल की भाषा, एक ही धर्म है, प्रेम, एक ही ईश्वर है, सर्वव्यापी, वो और कोई नहीं, वो है हमारे भगवान, हमारे स्वामी, हमारे प्यारे भगवान श्री सत्य साई बाबा। नित्यानंदम परमानंदम ब्रह्मानंदम साई मुकुंदम नित्यानंदम परमानंदम ब्रह्मानंदम साई मुकुंदम श्यामलवर्णम कोमलगात्रम सरसिजनयनम साई मुकुंदम श्यामलवर्णम कोमलगात्रम सरसिजनयनम साई मुकुंदम सरसिजनयनम साई मुकुंदम सरसिजनयनम साई मुकुंदम। सामगान प्रियं साधुजन पोषणं सन्नुत चरणं श्री साई मुकुंदं श्री साई मुकुंदं श्री साई मुकुंदं। साई मुकुंदम सत्य साई मुकुंदम
साई मुकुंदम सत्य साई मुकुंदम साई मुकुंदम सत्य साई मुकुंदम साई मुकुंदम सत्य साई मुकुंदम साई मुकुंदम सत्य 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 साई मुकुंदम Yeah.
Krishna,
I'm
जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।